ईद उल फितर यानी ईद के पर्व पर मंडलायुक्त एडीजी डीएम और एसएसपी ने लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से मंडलायुक्त अनिल कुमार ने गोरखपुर न्यूज के दर्शकों एवं गोरखपुर वासियों को ईद मुबारक कहा और पूरे जोन पर संदेश देते हुए एडीजी दावत शेरपा ने कहा कि ईद भाईचारे का त्यौहार है और उसे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्वक मनाएं। जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडियन ने अपने संदेश में कहा है कि खुशियों के साथ ईद को मनाएं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं, साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, शांतिपूर्वक ईद के त्यौहार को मनाएं। एसएसपी शलभ माथुर ने जनपद वासियों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईद के त्यौहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पुलिस द्वारा सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, इसलिए ईद को खुशियों के साथ मनाएं। ईद के शुभ अवसर पर मैं गोरखपुर न्यूज़ के सभी दर्शकों को, गोरखपुर नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। और हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम किया है कि सभी लोग ईद बहुत सकुशलता से और शांतिपूर्ण ढंग से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मना सकें, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी इस ध्येय में सफल होंगे और ईद बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत सद्भावपूर्ण तरीके से मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गोरखपुर जोन के सभी हमारे नागरिक बंधुओं को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि इस त्यौहार को शांतिपूर्वक और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। पुलिस विभाग के और जोन की तरफ से मैं अपनी शुभकामनाएं सबको, यहाँ सब जगह कर ली गई है। मूल रूप से जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, साफ सफाई की, पानी बिजली इत्यादि की व्यवस्था कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो फोर्स डिप्लॉय होने हैं वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की विघ्न बाधा न होने पाए। संवेदनशील स्थान में हमारे पुलिस के जो कर्मी है भ्रमणशील हैं और ईद के त्यौहार संपन्न होने तक सभी लोग पेट्रोलिंग में रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे ताकि कोई बात होने ना पाए। जो गोरखपुर जनता को ईद का ढेर सारी शुभकामनाएं, जिला प्रशासन के तौर से आपको बधाई दे रहा है और हम लोग पूरा तैयारी के साथ हैं। नगर निगम के माध्यम से हम लोग सफाई का और रोशनी का, पीने के पानी की व्यवस्था कर रखे हैं, 24 घंटे बिजली आपूर्ति की भी व्यवस्था कर रखा है और बाकी लान डाल के लिए पुलिस और जिला प्रशासन सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग सुरक्षा सहित ईद मनाइए, खुशियाँ फैलाइए, लहराइए। जय माता दी। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से, शांति से, सौहार्द से ईद को मनाएं और ईद का त्यौहार सभी के जीवन में नई खुशियाँ लेके आए। सुरक्षा के लिहाज से कल भी जो है फ्लैग मार्च फुल पेट्रोलिंग की गई थी, आज भी की जाएगी। अभी अलविदा की आज नमाज जिन जगह पर होनी है वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सभी को निर्देशित थाना अध्यक्षों को आवश्यक तैयारी त्यौहार रजिस्टर इत्यादि के लिए ब्रीफ कर दिया गया है। सीनियर अधिकारियों ने उनका सुपरविजन कर लिया है और साथ ही साथ सिविल डिफेंस की पीस कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक राउंड की सिविल डिफेंस की मीटिंग आज फिर जो हमारे शहर के थाने वहाँ पर कराई गई है, जहाँ जहाँ पे पेंडिंग विवाद अभी तक आए थे सबको निस्तारित करा लिया गया है और कल कुछ जगह ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा। अर्ली मॉर्निंग मुहूर्त के साथ साथ जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो सभी प्रसारित कर दिए गए हैं, उसको इंश्योर कराया जाएगा और ट्रैफिक की ड्यूटीज पुलिस के, हम लोग को पीएससी की अतिरिक्त हमको डिप्लॉयमेंट मिला है तो सभी तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी।